हेलो, आज मैं आया हूँ नर्सरी टूर पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक नर्सरी की सैर कराने वाला हूँ और उस नर्सरी में क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या कौन कौन प्लांट है, उस सब के बारे में बात करेंगे। कुछ कुछ टिप्स भी आपको बताएंगे। ये हमारा नर्सरी है, हमारे पास में भी है। ये बहुत बड़ा नर्सरी है, आप देख सकते हो प्लांट्स इसमें बहुत रखे हुए हैं, फ्लावर हैं। तो ये जो हमारा प्लांट है वो है एक जोड़ा प्लांट। ये वाइट कलर का फ्लावर देता है। एक जोड़ा को हम धूप में लगाते हैं, इसमें पिंक भी आता है, येलो भी आता है, दो तीन कलर आपको इसमें मिल जाएंगे। इसकी कॉस्ट 150 से लेके 350 तक होती है। इसमें अपना अपना अलग अलग कॉस्ट होता है। इसकी केयर बहुत आसान होती है, आप इसे धूप में लगा सकते हो और नॉर्मल पानी से इसे ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो है मोगरा। मोगरा आप जानते हो कंटिन्यू फूल देते रहता है और जब फूल झड़ जाए तो उसे फिर से अगले साल फूल आते हैं। ओके, इसको भी आप धूप में आसानी से लगा सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो है हिबिस्कस का प्लांट। हिबिस्कस जिसे हम उड़हल भी कहते हैं और जासमंद भी बोलते हैं। हिबिस्कस बहुत पवित्र भी माना जाता है क्योंकि ये गणपति को चढ़ाया जाता है, तो हर घर में ये होना ही चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो सबका फेवरेट है, वो है रोज़। तो आप जानते ही हैं हर घर में होना चाहिए क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ता है और वैसे भी ये रोज़ सबके काम का होता है। ये आप देख सकते हो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको मिल जाएंगे। ये वाइट कलर का है, ये फिर पिंक कलर आपको मिलेगा। रोज़ में बहुत अपना अपना कलर होता है। ये वो रेड डबल डेलाइट में लग रहा है आपको, तो इनके पास सब वैरायटी है। ये देख सकते हो ये रेड डार्क रेड में है, ये आपको येलो और वाइट का कॉम्बो है। ये आप देख सकते हो ये रोज़ में बहुत से टाइप के फ्लावर आते हैं, फिर भी इनके पास ऑलमोस्ट टाइप के फ्लावर है। आप आसानी से इसको बाई कर सकते हो। ये ग्राफ्टिंग वाला आपको पूरा है, ये डबल डेलाइट वाला है अपना। उसके बाद आप देख सकते हो ये सब सारा हमारा रोज़ का ही टाइप आ रहा है। इन सब को आप आसानी से लगा सकते हो अपने गार्डन में। अपने गार्डन में रोज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका गार्डन है तो एक रोज़ तो बनता है, कभी भी रोज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। अब नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो है टेकोमा का प्लांट। टेकोमा अपने फ्लावर के लिए ही जाना जाता है, ये कंटिन्यू फूल देता है। इसके फूल देखिए गुच्छे में आते हैं, कंटिन्यू उसका फूल आपको आता ही रहेगा। हर दिन फूल आएगा और हर दिन फूल गिरता रहेगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है बोगनवेला। बोगनवेला फ्रेंड्स जाना ही जाता है फूल के लिए, जितने पत्ते उतने फूल इसके होते हैं। ये सब इनके गार्डन का फ्लावर है, ये हिबिस्कस का ही है जो हमने ऑलरेडी बात कर रखा है। ये सब इनके गार्डन का प्लांट है। आप देख सकते हो कितना ये अरेंजमेंट से रखा हुआ है। ये अपना रोज है, ये सब इनके पास बहुत से फ्लावरिंग प्लांट है। ये सब आउटडोर का प्लांट है। मैं अभी ये फर्स्ट है वीडियो का, मैं सेकेंड वीडियो में आपको पूरी इंडोर भी सैर करवाने वाला हूँ। ये जो आप देख रहे हैं वही है क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री ये ऑलमोस्ट आपको 200 से 300 में आपको मार्केट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो ये हमारा प्लांट है वो मिनीस्टोमा। मिनीस्टोमा भी काफ़ी खूबसूरत फ्लावर देता है। ये आप देख सकते हो ये हमारा रोज ही है, गुच्छे में फूल आने वाला है। ये एक जोड़ा का येल्लो मैंने बताया था, ये एक जोड़ा का येल्लो प्लांट है। उसके बाद जैसे रोज़ है, रोज़ जो खिल रहा है वो बटन रोज़ में आता है, बड़े से फ्लावर आते हैं। ये अपना साइप्रस है। साइप्रस बहुत खूबसूरत लगता है, ऑलमोस्ट घर में होता है। और ये पाम ट्री तो जानते ही हैं हर घर में लगता है, आप इसको बाहर भी लगा सकते हो। ये नेक्स्ट जो हमारा है वो है कुंदा। ये इंडियन कुंदा होता है और ये आप जानते ही हो टिकोमा का ही टाइप है।
इस कलर को मैंने दिखाया था, ये जोड़ा है आप जानते ही हो। उसके बाद ये सब एक जोड़ा हमें अपना आता है, इसको आप एक जोड़ा को आराम से धूप में लगा सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये स्नेक प्लांट है आप जानते हो, ये है सेवंती का प्लांट। सेवंती जब बड़ा होता है तो ऐसा दिखता है। ये हिबिस्कस आप देख सकते हो कितना खूबसूरत लगता है देखने के खिलने के बाद। हर घर में हिबिस्कस ऑलमोस्ट होता है, अब देख सकते कितना अच्छा लग रहा है ये फ्लावरिंग प्लांट सब। ये तुलसी जी है, तुलसी आप जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। और ये है पेप्रोमिया का प्लांट। पेप्रोमिया फ्रेंड्स काफ़ी खूबसूरत लगती है, वेरीगेटेड पेप्रोमिया है, आप आसानी से खरीद सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा है फॉक्सटेल फॉन। फॉक्सटेल फॉन बहुत खूबसूरत लगता है, इसको आप कटिंग करके बहुत खूबसूरत डिजाइन में भी अपने सजा सकते हो। ये मोनास्टेरा, ये स्मॉल मोनास्टेरा है, ये बाद में जाने के बाद कटिंग करता है। तो ये फर्स्ट वीडियो था हमारा, नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।